अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल दी ग्रेप्स ऑफ मैथमेटिक्स। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दें, ताकि आगे आने वाली हर मेरी वीडियो आप तक पहुंच जाए। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है चैप्टर नंबर 1 की रिव्यू एक्सरसाइज 1 का क्वेश्चन नंबर 6, जिसमें हमें कहा गया है सॉल्व दी फॉलोइंग, जिसमें हमें डिवाइड करना है, जिसका पार्ट नंबर ए हम करते हैं सबसे पहले। इसमें इसके 6 पार्ट है और हर क्वेश्चन हमसे डिवाइड पूछा गया, हमें डिवाइड करना है। फर्स्ट ए पार्ट हमसे क्या पूछा गया है, जिसमें हमें डिवाइड करना है 6, 6, 6, 9, 3 को हमने डिवाइड करना है 33 से। ये क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट ए है। हम 33 को 20 से डिवाइड करते हैं। 33 को 20 से मल्टीप्लाई करें, 0, 0, 6, 6 क्या रहता है, 6, 6, 0 660 आता है। हम डिवाइड करके देखते हैं, 660 को हम जब डिवाइड करेंगे आ जाएगा 6, और फर्स्ट टर्म एज इट इज़ नीचे ले आएंगे 69। फिर 33 को हम सिंपली 2 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, आ जाएगा 66, जिससे बच जाएगा 3। फिर ये वाली टर्म नीचे ले आएंगे, 33 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करें और 33 आता है। ये है इसका आंसर 2021। ये क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट नंबर ए का आंसर है। अब हम करते हैं पार्ट नंबर बी। इसमें भी हमसे डिवाइड पूछा गया, इसमें हमें कौन सी टर्म को डिवाइड करना है, 35, 7, 8 को हमने डिवाइड करना है किससे, 42 से। सिंपली हम 42 को मल्टीप्लाई करते हैं 8 से, चेक करते हैं क्योंकि 8 4 है, तो 4 को 8 से मल्टीप्लाई 32 आता है, इसलिए हम सिंपली 42 को 8 के साथ डिवाइड करके देखते हैं। 8 2 16, 6 लिखा 1 कैरी, 8 2 32 और 33। हमने 8 के साथ मल्टीप्लाई किया तो क्या आया, 3, 3, 6। 7 में 6 निकाला 1, 5 में से 3 निकाला 2, एज इट इज़ फर्स्ट टर्म नीचे ले आएंगे, 42 है, 42 को हम मल्टीप्लाई करके देखते हैं 5 से, 5 2 10, 2 लिखा 1 कैरी, 5 4 20 और 21 आ गया, 8 रह गया, बाकी 0 होगी, अगली टर्म नीचे ले आएंगे। 42 को हमने मल्टीप्लाई करना है किसके साथ, 2 के साथ, हमने पहले 5 के साथ मल्टीप्लाई किया था, 42 को हम 2 के साथ मल्टीप्लाई करें, 42 को हम 4 आ जाएगा, फिर 8 आ जाएगी, ये आ जाता है 4। अगर हम यहाँ डॉट ले के नीचे 0 भी लें, लेकिन ये इम्पॉसिबल है क्योंकि 4 बिल्कुल छोटा टर्म है, तो ये हम कह सकते हैं इसका रिमाइंडर कितना आ गया है, ये 4, और क्वेश्चन ये हो गया। ये था क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट नंबर ए और पार्ट नंबर बी। अब हम क्वेश्चन नंबर 6 के पार्ट नंबर सी के ऊपर चलते हैं। पार्ट नंबर सी में हमने डिवाइड करना है, टर्म कौन सी हमें गिवन है, टर्म हमें गिवन है 25, 1, 1, 1 को हमने डिवाइड करना है 69 से। 69 मतलब 251 के करीब एक ऐसा मल्टीपल हो जिसे हम मल्टीप्लाई करें 251 के करीब आए। हम 69 को मल्टीप्लाई करके देखते हैं 3 के साथ, 9 3 27, 7 लिखा 2 कैरी, 6 3 18 और 20, यहाँ हम देख लेंगे 207, और हमने किसके साथ मल्टीप्लाई किया, 3 के साथ। यहाँ से जब हम यहाँ एक कैरी लेंगे और जहाँ हम -1 करते हैं, 11 में से 7 निकाले 4, 4 में से 0 निकालो 4, फिर फर्स्ट टर्म एज इट इज़ हम नीचे लिख लेंगे। अब हम 69 को एक ऐसी टर्म के साथ मल्टीप्लाई करना है जो 41 के 441 के बिल्कुल करीब है। हम 8 के साथ मल्टीप्लाई करके देखते हैं, 69 को हम 6 के साथ मल्टीप्लाई करके देखते हैं, 9 6 54, 4 लिखा 5 कैरी, 6 6 36 और 41, 6 लिखते हैं 4 1 4। फिर हम यहाँ से यहाँ कैरी लेंगे, यहाँ -1 हो जाएगा, 11 में से 4 निकाले 7, 4 तो हमने एक कैरी लिया, 3 3 में से 1 निकाले 2, फिर एज इट इज़ नेक्स्ट टर्म नीचे, फिर 271 के करीब हमने सबसे पहले एक मल्टीपल ले लिया,
एज इट इज 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 207। आप सोचेंगे यहाँ 4 भी नहीं, जब हम 69 में 4 ऐड करेंगे वो 276 बन जाएगा, वो ग्रेटर हो जाएगा 271 से, इसलिए हमने इसी से मल्टीप्लाई किया। यहाँ से फिर हम एक कैरी ले 4, यहाँ बच गया 6 में से निकाले 6। फिर ये बी पार्ट की तरह 69 टर्न बड़ी या 64 छोटी है, तो हम यहाँ एज इट इज लिख देते हैं रिमाइंडर कितना है हमारे पास 64, और ये हमारे पास आंसर है 636। अब हम पार्ट नंबर डी के डी पे चलते हैं। पार्ट नंबर डी, डी में हमसे पूछा गया है 28,000 को हमने डिवाइड करने के लिए 1,000 के साथ, सिंपली हम 1,000 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे आ जाएगा 2,000। फिर हम लिखते हैं ये आ गया, सिंपली हम फिर 8 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। यहाँ हमने एक टर्म लेनी थी, जैसे हमने यहाँ से एक टर्म नीचे लिया है, लेकिन 1,000 पर ही हम उसके मुताबिक हमने 3 डिजिट्स अगले नेक्स्ट 3 जो हमने लिख दिए 1,000 को 8 के साथ मल्टीप्लाई करो क्या आ जाएगा 8,000। जी इसका आंसर है 68। ये था क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट नंबर डी। पार्ट नंबर ई और एफ देखते हैं। पार्ट नंबर ई के हमसे पूछा गया है, ये भी क्वेश्चन नंबर डी की तरह है 580 को हमने डिवाइड करना है किसके साथ 10 के साथ, 10 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे आ जाएगा 50। एट रह गया आज 5 वाली टर्म नीचे, क्योंकि यहाँ 2 टर्म्स है तो हमें एक टर्म 2 डिजिट्स बनाने, 10 को 8 के साथ हम मल्टीप्लाई करें 80 आ जाएगा, फिर 5 फिर नेक्स्ट टर्म एज इट इज नीचे, फिर 5 के साथ मल्टीप्लाई करें 50 आ जाएगा, फिर 8 आ जाएगा, 10 को 8 के साथ मल्टीप्लाई करें जो ये आंसर है। बहुत इजी क्वेश्चन था। लास्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर 6 का, इसमें हमें टर्म्स गिवन है 28, 104 को हमने डिवाइड करना है 28 के साथ, 28 1000 होता है 28, लेकिन हम अगर नेक्स्ट टर्म को लेके चले हम मल्टीप्लाई करते हैं इसे 100 के साथ क्या देगा 2800 आ जाएगा। ये माइनिंग क्वेश्चन सिंपल लेगा, फिर 104 आ जाएगा। अगर हम 28 को इसके नज़दीक कोई ऐसा टर्म के साथ मल्टीप्लाई करना है जो 104 के नज़दीक आ जाए, हम 28 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं 8 3 24 4 4 2 कैरी 4 3 2 6 8 0 और ये 2, ये ग्रेटर है या स्मॉलर है, तो यहाँ रिमाइंडर क्या होगा 20। ये था रिव्यू एक्सरसाइज चैप्टर नंबर 1 का क्वेश्चन नंबर 6 के 6 पार्ट।